एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा को दिखाया जाता है जो जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ होता है और सब बात कर रहे होते हैं कि सुकासा को रिजेक्ट कर दिया गया है। याजुटाका इसके पास आके इसे ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें ट्राई करता है। इसका हेयर स्टाइल चेंज करता है, वो इसको उल्टी सीधी पिक्चर्स भी दिखाता है, लेकिन सुकासा को जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तभी शैरी आती है और यहाँ से याजुटाका को ले जाती है। इसके बाद मिचिरू आती है एकदम से और चिल्लाते हुए कहती है, सुकासा क्या ये सच है कि तुमने आयला को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया? लेकिन रेन और यामानोबे उसे रोक देते हैं क्योंकि सुकासा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होता। इसके बाद मिचिरू जो है आयला से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या सुकासा ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई? मैंने सुना कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सब सुन के आयला काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है, मैं क्या करूँ, और पूरी तरीके से लाल हो जाता है उसका चेहरा और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आयला मिचिरू को बोलती है, उसने एकदम से वो सब बोल दिया, मुझे नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है और मैंने मना कर दिया और तब से वो वैसा हो गया। मैं उससे कुछ बोलूँ भी तो वो मुझे सुन ही नहीं रहा। जैक कहता है वो वैसे ही रहेगा चाहे उसे कोई कुछ भी बोले। आयला रोने लगती है। मिचिरू कहती है, तुम्हें ऐसे सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सुकासा की गलती है, उसने ये सब बोल दिया बिना मूड सेट करे। सही कहा ना? आयला कहती है, कार्निवल में मैं सुकासा से अलग हो गई थी। मिचिरू कहती है, देखा मैंने कहा था ना, अगर वो एक लड़की के साथ भी नहीं रह सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता। आयला कहती है, लेकिन उसने फिर मुझे ढूंढ लिया और फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया। हमने वो साथ में देखा एक दूसरे का हाथ पकड़ के, उसके बाद हम बात करने लगे और उसने मुझे हग कर लिया और फिर उसने अपनी फीलिंग्स बताई मुझे। ये सुन के मिचिरू का चेहरा लाल हो जाता है और वह कहती है, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं, मैं भी उसे रिजेक्ट कर देती। जैक कहता है, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। मिचिरू कहती है, नहीं ये लाल नहीं हुआ। आयला कहती है, मैंने सुकासा को हर्ट कर दिया, तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करती? जैक कहता है, ये पूछने का कुछ फ़ायदा नहीं, किसी ने कभी मिचिरू को प्रपोज ही नहीं किया। मिचिरू फिर जैक पे फिर से चिल्लाने लगती है और उसे शांत होने को कहती है और आयला से पूछती है कि क्या वो सुकासा के सामने नॉर्मल रह पाएगी। आयला मना कर देती है। मिचिरू फिर कहती है, तुम दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए, और आयला को सुकासा से अलग रहने को कहती है कुछ दिनों के लिए और कहती है, इससे तुम सोच पाओगे कि तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो। नेक्स्ट सीन में कॉन्स्टेंस और काजुकी अब जॉब पे जा रहे होते हैं और तभी कॉन्स्टेंस उसे बताता है कि सुकासा ने आयला को अपने लव के बारे में कन्फेस कर दिया। ये सुन के काजुकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये कब हुआ? कॉन्स्टेंस कहता है, कल। काजुकी कहती है, तो वो कहाँ तक पहुँचे? कॉन्स्टेंस बोलता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? काजुकी कहती है, तुम्हें पता है? कॉन्स्टेंस बोलता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम क्या बोलने का ट्राई कर रही हो। काजुकी फिर पूछती है, तो क्या हुआ? कॉन्स्टेंस बताता है कि आयला ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये सुन के काजुकी फिर से शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुकासा मिचिरू और जैक के रूम में होता है। मिचिरू ने उसे यहाँ पर लाया हुआ होता है जिससे ये और आयला अलग अलग रह सके। मिचिरू उसे कहती है, तुम कब तक ऐसे रहने वाले हो, बस रिजेक्ट ही तो हुए हो तुम। ये सुन के सुकासा और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद मिचिरू सुकासा को खाना देती है और खाने को बोलती है। दूसरी तरफ आयला इरू के साथ होती है और इरू भी उसे खाना खाने को बोल रही होती है और उसे एक अजीब सी ड्रेस पहना रखी होती है उसने। आयला कहती है, तुमने मुझे ये क्यों पहनाया? इरू कहती है, क्योंकि ये क्यूट है। और इरू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि आयला उसके साथ होती है, लेकिन आयला की कुछ और ही हालत हो रही होती है। नेक्स्ट दिन में मिचिरू सुकासा को सुना रही होती है कि उसे ये लव वगैरह के चक्कर में काम नहीं छोड़ना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, और फिर कहती है, मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरे डैड वॉन्डर में बदल गए थे, मैंने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने खो दिया था और मैं अकेले हो गई थी, लेकिन काजुकी ने मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैंने काजुकी से कहा कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, और उसने कहा कि ये हमारा काम है टर्मिनल सर्विस में, मैं तुम्हारे फादर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन जब तक तुम बेटर फील नहीं करती मुझे ये करने दो, वरना मैं तुम्हारे फादर से कभी आँख नहीं मिला पाऊँगी। अब प्रेजेंट में मिचिरू कहती है, काजुकी को वैसे देखने के बाद टर्मिनल सर्विस ज्वाइन किया मैंने और मैं प्राउड फील करती हूँ यहाँ काम करके, तो अगर तुम यहाँ काम ठीक से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुकासा कहता है, सॉरी और थैंक्स चिंता करने के लिए इतनी। मिचिरू कहती है, क्या तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है अपनी फीलिंग कन्फेस करके? सुकासा कहते हैं, नहीं, चाहे उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो लेकिन आयला को लेके मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई है।
मिचिरु कहती है, तो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी ये साइड क्यूट है। और फिर खुद को एकदम से रोक लेती है और मन में कहती है, मैंने ऐसा क्यों बोला। सुकासा फिर कहता है, क्या हुआ। मिचिरु उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ, क्या तुम्हें समझ आया जो भी मैंने बोला। अगर आया तो ऐसे बैठे मत रहो, सोचो कि अब आयला के साथ कैसे डील करना है। दूसरी तरफ ईरू ने भी अपने कपड़े जो चेंज कर लिए होते हैं, आयला इससे पूछती है कि मिचिरु कहाँ है। ईरू कहती है कि वो आ जाएगी थोड़ी देर में, ये देखो कितने सारे पजामा लाई मैं तुम्हारे लिए, तुम कौन सा पहनना चाहोगी पहले। और आयला इस सबसे परेशान हो जाती है। अब अगले दिन सुबह सुकासा मिचिरु को उठाता है जो रात में यहीं पर सो गई थी। अब यह रेडी होकर निकलते हैं बाहर और साइड वाले रूम से आयला और ईरू भी निकलते हैं। आयला सुकासा को देख के नर्वस हो जाती है और उसे मिचिरु के साथ देख के उल्टा सोचने लगती है। सुकासा और मिचिरु कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन आयला कहती है, तुम और मिचिरु एक साथ अच्छे लग रहे हो। और ये कह के वहाँ से भाग जाती है। मिचिरु कहती है, हमें उसके पीछे जाना होगा। लेकिन सुकासा को देखती है जब वो, तो वो फिर से जिंदा लाश की तरह बन जाता है। नेक्स्ट सीन में अब ये तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और आयला को सब बता देते हैं और आयला भी इनसे माफ़ी मांगती है। मिचिरु उन दोनों को बात करने को कहती है और आयला सुकासा से टाइम मांगती है सोचने के लिए और अपना आंसर फिर से देने के लिए। और सुकासा कहता है, ठीक है तुम ले लो टाइम, फिर चाहे तुम्हारा आंसर जो भी हो, मैं तुम्हारा पार्टनर रहना चाहूँगा एंड तक। नेक्स्ट सीन में मिचिरु जो है मिकी जीरो से लव के बारे में पूछती है। मिकी जीरो कहता है, क्या तुम आयला के बारे में बात कर रही हो। मिचिरु कहती है, मैंने उसे सोचने को कहा, लेकिन क्या वो सही था करना। तुम जितना इस चीज़ के बारे में सोचते हो उतना ही निराश होते जाते हो, सही कहा ना। मिकी जीरो कहता है, मुझे नहीं पता। अब अगले दिन सुकासा आयला से मिलता है और मिचिरु इन दोनों को नोटिस करते रहती है, फिर हर जगह काम करते वक्त भी और जब आयला से चाय गिर जाती तब भी। इसके बाद अब मिचिरु आयला से मिलती है और उससे पूछती है कि वो सुकासा के बारे में कैसा फील करती है। आयला कहती है, स्टार्टिंग में वो स्माइल करता था हमेशा और तुमने कहा था कि वो सैड होगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वैसे स्माइल करें। फिर अम्यूजमेंट पार्क में वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और मैं भी, और फिर जब उसने मुझे वो सब बोला तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। और उसके बाद से जब भी मैं सुकासा के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है और मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मिचिरु कहती है, तो तुमने आंसर पता कर लिया ना। आयला कहती है, मुझे मेरा आंसर काफ़ी टाइम पहले ही पता था। मिचिरु कहती है, बहुत बढ़िया, चलो सुकासा को ये बताएं। आयला कहती है, मुझे सुकासा से दूर रहना चाहिए, ये मेरे और सुकासा दोनों के लिए बेटर है। मिचिरु कहती है, लेकिन ये सब गलत है। और कहती है, ये लव है और अलग रहने का कोई रीज़न नहीं। और फिर रीज़न पूछती है उससे कि वो ऐसा क्यों कह रही है और आयला उसे बता देती है कि उसके पास सिर्फ एक महीना बचा है। नेक्स्ट सीन में काजुकी के पास यासुटाका आता है। काजुकी कहती है, तुमने सुकासा को बढ़ावा दिया था ना इस सब के लिए। यासुटाका कहता है, उसने अपना मन बना लिया था और सब कह दिया एक असली मर्द की तरह। काजुकी कहती है, और रिजल्ट देखो अब। यासुटाका कहता है, तो क्या तुम बीच में घुसने वाली हो इतने टाइम तक इस क्वेश्चन को डॉच करने के बाद। काजुकी कहती है, और अब तुम मेरे सीनियर जैसे एक्ट कर रहे हो। यासुटाका बोलता है, वेल मैं अपने जूनियर्स के बारे में सब जानता हूँ, सही कहा ना। नेक्स्ट सीन में अब मिचिरु को दिखाया जाता है जो बैठ कर रो रही होती है। सुकासा इसके पास आता है और ये उससे पूछती है कि तुम्हें आयला के लाइफ स्पैन के बारे में कब से पता था। सुकासा कहता है, कुछ टाइम पहले से। ये सुनकर मिचिरु रोने लगती है और उनके साथ ऐसे बिहेव करने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम्हें यह उसको अपनी फीलिंग्स बताने से पहले से पता था, ये बाद में पता चला। सुकासा कहता है, पहले से पता चल गया था मुझे। मिचिरु बोलती है, तुम्हें पता था फिर भी तुमने कन्फेस किया, क्या तुमने इस जॉब से कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा क्यों किया तुमने। सुकासा कहता है, मैं आयला के साथ यादें बनाना चाहता हूँ और आयला भी यादें बनाए ये भी चाहता हूँ। मिचिरु कहती है, तुम बस खुद को हर्ट करोगे एंड में, क्या तुम एंड तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। सुकासा कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, उसके लास्ट मोमेंट तक मैं आयला का पार्टनर रहूँगा। मिचिरु फिर जोर से चिल्लाने लगती है दोबारा और सुकासा को फिर से सुनाने लगती है लव को लेके कि वो एक नूब है इस मामले में, और कहती है, मैं तुम्हारे रोमांस को चीयर करूँगी। नेक्स्ट सीन में सुकासा रूम में जाता है और काजुकी को वहाँ पे देख के पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। काजुकी कहती है, अच्छी टाइमिंग है, हमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है। तभी आयला भी यहाँ पर आ जाती है। सुकासा पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आयला कहती है, काजुकी ने मुझे बुलाया। और काजुकी कहती है,
आज से तुम्हारी पार्टनरशिप मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यह सुनकर सुकासा शॉक्ड हो जाता है। काजुकी कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप ख़त्म कर रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।